नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार ड्राइव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ MG ZS इलेक्ट्रिक के पेट्रोल वेरिएंट के बारे में। MG मोटर्स जल्दी इंडिया में अपनी ZS इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV का पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च करने वाली है और इसके टेस्टिंग मॉडल को हाल ही में इंडियन रोड्स पर टेस्टिंग के दौरान भी स्पाई किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको MG मोटर्स की ZS इलेक्ट्रिक SUV के पेट्रोल वेरिएंट के बारे में फुली डिटेल्स देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात करें इसके नेम की, तो कंपनी इस SUV को एस्टो नेम से इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकती है क्योंकि MG मोटर्स ने हाल ही में एस्टो नेम को इंडिया के अंदर ट्रेडमार्क करवाया है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि MG की ये जो ZS इलेक्ट्रिक SUV है, इसके पेट्रोल वेरियंट को ही एस्टो नाम से इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकती है। तो सबसे पहले बात करें इसके एक्सटीरियर और डिजाइन की, तो MG ZS इलेक्ट्रिक SUV को कंपनी जब इंडिया के अंदर पेट्रोल वेरिएंट के अंदर लॉन्च करेगी तो इसके एक्सटीरियर डिजाइन में भी कुछ कॉस्मेटिक और डिजाइन के अंदर भी कुछ चेंजेस करने वाली है। जैसे कि इसके अंदर आपको बिल्कुल नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। साथ इसके अंदर आपको फ्रंट के अंदर फुली LED हेडलैम्प देखने को मिलेगी। साथ इसके अंदर आपको नीचे की साइड LED फॉग लैम्प यूनिट और नए डिजाइन की फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके रियर में आपको शार्क पिच एंटीना, रियर स्पॉइलर, हाई स्टॉप माउंट लाइट के साथ इसके अंदर आपको नीचे की साइड बम्पर के अंदर आपको रियर फॉग लैंप यूनिट भी देखने को मिल सकती है। साथ इसके अंदर आपको पैनारोमिक सनरूफ और रूफ रेल जैसे शानदार एक्सटीरियर फीचर्स इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो MG ZS इलेक्ट्रिक SUV के पेट्रोल वेरियंट को इंडिया के अंदर 10 लाख रुपये की शुरुआती प्राइस के साथ इसे इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। साथ इसके जो टॉप वेरियंट की जो प्राइस रहेगी वो इंडिया के अंदर 18 लाख रुपये यानी कि 18 लाख रुपये तक रहने वाली है। ये जो इलेक्ट्रिक SUV रहेगी, इसके पेट्रोल वेरिएंट के अंदर आपको इंडिया में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। एक रहेगा 1.3 लीटर का पेट्रोल और दूसरा रहेगा 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। अब बात करें इसके इंटीरियर की, तो इसके इंटीरियर में भी आपको कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसके इंटीरियर में आपको कुछ नए एडवांस फीचर और इसे पेट्रोल SUV के अनुरूप इसके अंदर आपको कुछ और भी ऐसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। अब बात करें इसके लॉन्चिंग के बारे में, तो कंपनी इस SUV को इंडिया के अंदर 2021 के यानी कि इस SUV को अप्रैल से मई 2021 तक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकती है। वहीं अगर आप भी इस SUV को खरीदने का मन बना रहे तो आपको फिलहाल जो है इंडिया के अंदर लॉन्चिंग के लिए काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। और इंडिया के अंदर लॉन्च होने के बाद इस SUV का जो कॉम्पिटिशन है वो ह्यूंडई क्रेटा और किया सेल्टोस से रहने वाला है। ये एक प्रॉपर SUV ना होकर ये एक क्रॉसओवर SUV रहने वाली है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।